चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को इसी महीने 4 साल पूरे होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब 4 साल पूरे होने वाले हैं आज यानी 17 दिसंबर को ही, तो सरकार इसे गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। वहीं आज 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों के नाम पर संदेश देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत करते हुए कहे कि छत्तीसगढ़ के लिए 4 साल गौरवपूर्ण रहा है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और आदिवासियों के लिए हमने कार्य किए हैं। सभी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। ऐसे में 4 साल पूरे हो रही हैं तो छत्तीसगढ़ में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत का एक दृश्य। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीद किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। तो एक तरफ धान का उत्पादन बढ़ा, दूसरे तरफ दूध उत्पादन बढ़ा, तीसरे तरफ लघु अनुपज का भी संग्रहण अधिक हुआ और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक लोगों के आय में वृद्धि हुई, हर वर्ग के आय में वृद्धि हुई। लोगों के पास पैसा आया तो व्यापार व्यवसाय उद्योग भी फला फूला। एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। गोधन न्याय योजना हमने लागू की, तो एक तरफ गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, पूरी दुनिया को हमने बताया। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उससे उसकी आमदनी बढ़ी। फिर हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य योजना, दादी दिल क्लिनिक योजना और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान। तो इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। दूसरा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू हमने की, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमने लागू की। बड़ी बीमारी हो जाए कहाँ 15 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, तो ऐसे समय में सरकार उनके साथ खड़ी हुई। फिर जो लघु अनुपज है वो 7 प्रकार खरीदी थी, वो 65 प्रकार की। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया। तो जो लघु अनुपज संग्राहक है, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी लोग, वहाँ उन सबके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीद किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। देखिए छत्तीसगढ़ में ये धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए थे, मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी न किसान को, न मजदूरों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इनको लाभ मिले। आत्मानंदा के रेजी स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और उसके साथ मेडिकल कॉलेज। 15 साल में जितना ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उतने 4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति कराई और उसकी स्थापना की और पढ़ाई शुरू हुई। तो इस प्रकार से चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन, सबके ऊपर विशेष फोकस किया ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्राप्त हो सके। नौजवानों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने लागू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? महंगाई और बेरोजगारी के लिए, देश के नौजवानों के लिए। हमने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 2 अक्टूबर के उसका भूमि पूजन किया है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा।